95वीं बटालियन सीआरपीएफ और सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में सुंदरपुर पार्क बीएचयू में हुआ वृक्षारोपण। इस दौरान स्वच्छता अभियान और सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 95वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने की। वाराणसी में दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप पर हुई उचक्कागिरी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मामला लालपुर थाना अंतर्गत पहड़िया रोड स्थित एक मोबाइल शॉप का है, जहां सुबह दुकान मालिक ने दुकान खोली और थोड़ी ही देर बाद एक युवक मोबाइल खरीदने के लिए आया और दुकानदार से अन्य मोबाइल दिखाने को बोलकर काउंटर से मोबाइल लेकर भाग निकला। यह सारी घटना मोबाइल शॉप पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। किन्नरों का मजाक उड़ाने वालों को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिया समरसता का संदेश। इंद्रेश कुमार ने सभी समाज की महिलाओं से राखी बंधवाकर पूरे विश्व को इंसानियत, मानवता, समरसता और बराबरी का संदेश काशी से दिया। इंद्रेश कुमार ने पश्चिमी देशों की प्रगतिशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि जो देश सबसे अधिक मानवाधिकार की बात करते हैं, वो गोरे काले के रंग भेद से जूझ रहे हैं। पार्टी समर्थकों संघ विधायक कैलाश सोनकर ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, बलिया मामले में की सीबीआई जांच की मांग। बीते दिनों बलिया के रसड़ा क्षेत्र में दुबई गांव निवासी पन्ना राजभर द्वारा पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बलिया में 3 सितंबर को लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया था। पुलिस समझाने पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे लोगों में और पुलिस में झड़प हुई, जिसमें पुलिस कर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए थे। मुकदमे का निष्पक्षतापूर्ण जांच एवं निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई अथवा सीबीसीआईडी द्वारा जांच कराने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा एक सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। केरोसिन तेल लेकर पानी टंकी पर चढ़ी दो महिलाओं ने चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग की है। पांडेपुर चौराहे पर स्थित पिसनहरिया प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में बनी जल निगम की पानी टंकी पर आज दोपहर बाद दो महिलाओं के चढ़ने के बाद हड़कंप मच गया। एक महिला के हाथ में केरोसिन ऑयल का गैलन था और वह किसी के भी ऊपर चढ़ने पर आत्मदाह की धमकी दे रही थी और मौके पर आला अधिकारियों को बुलाने और चौकी इंचार्ज पांडेपुर को निलंबित करने की मांग कर रही थी। और पांडेपुर चौकी इंचार्ज और दीवान निलंबित हो, मेरा यही मांग है, क्योंकि हम लॉकडाउन में हम पैसा खाने बिना बच्चों के अपने लेके वो परेशान है एकदम एक रुपए के, और हमारे तो दीवान जी अंदर ले जाके हमसे 10,000 रुपया मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, तब आपकी मुकदमा दर्ज की जाएगी। जो भी इनकी समस्या है, लीगल समस्या है, उसका निस्तारण किया जाए। पांडेपुर चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग कर रही है, किस बात के लिए ये तो आप बताएंगे सर ना कि क्यों? अभी तो उसकी जांच तो कर लूँ मैं, क्या उन्होंने क्या एलिगेशन क्या लगाया? क्या इसमें जो टंकी का जो देखरेख करा था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई? ये बताया जा रहा है कि जो टंकी का जो देखरेख करता था वहाँ पे दो लड़के आए, ताला तोड़े पहले, उसके बाद ये महिला चढ़ी। अपने दूध मुहे बच्चे को देखने की फरियाद लेकर एक माँ गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसके 1.5 साल के बच्चे को उससे छीन कर उसे मायके में छोड़ दिया है और 40 लाख रुपए की मांग कर रहा है। महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसके बच्चे को उससे मिलवाया जाए। सर, मेरे पति 1 साल से लगभग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे, और उन्हें मेरे मम्मी पापा से 40 लाख रुपए चाहिए, जो उनको चाहते हैं कि पहाड़िया में अपना जमीन लें और घर बनवाएं। आ रहे हैं फिर उसके बाद मेरे गोद से बच्चा उछल छीन लिया, जब भी मारते हैं। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का लड़का है सर। वो लोग मुझे मार कर यहाँ पे छीन कर लेकर भाग गए हैं। कमिश्नर दीपक अग्रवाल लगातार शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को जहां कमिश्नर ने बेनिया बाग में चल रहे मल्टी लेवल पार्किंग कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं गुरुवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों संग टू व्हीलर से कचहरी वरुणा पुल से चौका घाट वरुणा पुल तक निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कॉरिडोर में ई रिक्शा के संचालन को लेकर अधिकारियों से मंत्रणा की गयी। जान रहे हैं रिक्शा के लिए कॉरिडोर में रैंपों का निर्माण हो रहा था, तो वो आज मंडलायुक्त महोदय द्वारा उसका पूरा भ्रमण किया गया और ट्रैक पर जो कुछ कुछ समस्याएं हैं अलग अलग विभागों से संबंधित, उसके संबंध में संबंधित को दिशा निर्देश दिए हैं सर ने, ताकि ये काम पूरा हो सके और इस ट्रैक को फिर हम आवागमन के लिए चालू कर सकें। कोरोना काल में सड़क किनारे जीवित पुत्रिका व्रत का पारण कर रही महिलाओं को पुलिस ने भेजा घर। कोरोना काल में सभी कुंडों और तालाबों पर जीवित पुत्रिका व्रत के पारण पर रोक लगी थी, ऐसे में शहर के पांडेपुर फ्लाईओवर के नीचे व्रत का पारण कर रही महिलाओं को वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने घर भेज दिया।
महिलाओं ने कहा कि पहली बार इस प्रकार से किया जा रहा है। पुलिस ने हमसे कहा कि जल्दी यहां से उठो वरना मुकदमा कर देंगे। मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आधा किए आधा नहीं किए। क्या बोला उन्होंने? उठो उठो जल्दी नहीं तो मुकदमा कर देंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपकी ड्यूटी पूजा में? हो सकता है कोरोना की वजह से हुआ हो। पूजा हुआ कि नहीं आपका? आधा हुआ आधा नहीं हुआ। अस्सी घाट पर हो रही लव यू शंकर की शूटिंग में अर्धनंग डांस के कारण अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने अश्लील डांस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है जिसके बाद शूटिंग को स्थगित कर दिया गया। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म लव यू शंकर की शूटिंग इन दिनों वाराणसी में चल रही है। इसका एक हिस्सा अस्सी घाट पर सुबह बनारस के मंच के सामने स्टेज बनाकर फिल्माया जा रहा था। स्टेज पर फिल्माए जा रहे गाने में नाच रही महिलाओं के अश्लील कपड़ों और बैकड्रॉप में लगे देवी देवताओं के पोस्टर को लेकर जागृति फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। संस्था ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से इस फिल्म की शूटिंग को रोकने की मांग की है। वाराणसी में गुरुवार को 172 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 9702 हो गया है। आज 192 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। वर्तमान में 1698 एक्टिव कोरोना केस वाराणसी में है। कुल 7838 लोग अब तक इस बीमारी से जंग जीत कर स्वस्थ हो चुके हैं। बनारस में अब तक 166 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।